जय श्री राम, जय मां मुंडु मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। विषय है नवाक्षर, जो मंत्र है जिसको नवार्ण मंत्र बोला जाता है, माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र। इस मंत्र का अनुष्ठान, इस मंत्र का पुरस्रण, इस मंत्र को सिद्ध कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो आप लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग नियम, कुछ अलग सिस्टम, जो शायद आप लोग को कोई बताया होगा, ऐसा पद्धति मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस गुप्त रहस्य को थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के सामने बताने का कोशिश करूंगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए देखिए। मेहनत अगर पसंद आए मेरा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, एक बात मैं पहले वीडियो से शुरू होने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी आप लोग देखे होंगे जो मैं अपने फोटो में बीच में तंत्र गुरु नाम लिख के देता हूँ, इसका एकमात्र कारण है फोटो भी चोरी हो रहा है, वीडियो भी चोरी हो रहा है। लगातार 3 वीडियो मेरा चोरी करके मेरे नाम को हटा दिया गया है। नाम की जहाँ पे नीचे मैं फोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है, उस जगह को फोन नंबर को, वह फोन नंबर के ऊपर अपना फोन नंबर डालकर मेरा वीडियो को चलाया जा रहा है। ऐसे 3 मैं पकड़ा, एक मेरे व्यूअर्स ने, दो मेरे व्यूअर्स ने बताया, और कल ही मैं एक वीडियो को मैं पकड़ा जो अंगूठी वाला जो वीडियो बनाया था, कल देखा उसको भी कोई ले लिया, तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। इसी कारण से मैं अपने फोटो में नाम लिखने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। क्या करें, अभी इंसान मेहनत नहीं करेगा, दूसरे किसी का वीडियो को उठाकर अपने वाल में चिपकाएगा, ऐसा ही चरित्र हो गया, तो क्या करें अभी। ठीक है, आप लोग को भी ऐसा कोई मेरा वीडियो अगर दिखता है कोई जगह पर तो मुझे जरूर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आज का जो मूल विषय नवार्ण मंत्र, देखिए मित्रों, ये नवार्ण मंत्र के बारे में शास्त्र में जो विधि है, ये मंत्र बहुत कठिन है। मैं पहले भी एक जन मुझे बोला था, गुरु जी नवार्ण मंत्र के बारे में बताने के लिए, इससे पहले भी नवार्ण मंत्र के बारे में मेरे पास बहुत सारा फोन कॉल SMS आ चुका है नवार्ण मंत्र के बारे में, गुरु जी सिद्धि के बारे में बताने के लिए। तो मैं सोचा अलग से एक वीडियो बना के बता देता हूँ। नवार्ण मंत्र का जो सिद्धि है, सिद्धि का जो प्रोसेस है, बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है एवं कठिन है। साधारण प्रोसेस नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए संपूर्ण पूरा पूजा पद्धति आप लोग को जानना पड़ेगा। आधा अधूरा पूजा पद्धति जानकर आप लोग को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाएगा, ऐसे अंगोन्नस करो, ओंग आ रांग ओंग स्टबेनो रिंग तद्रिम सर रूंग ओंगोन्नस, ऐसे दिखाएगा आपको, लेकिन वास्तविक रूप में वैसा नहीं है। अंगोन्नस से पहले भी कुछ न्यास होता है, आसन शुद्धि होता है, जल शुद्धि होता है, दिग्बंधन होता है, संकल्प होता है, विधिवत संकल्प लेने का भी एक बात है। ये संपूर्ण चीज आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। अगर बता भी देता है तब भी आप लोग वीडियो देखकर सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को समय देना पड़ता है, दीर्घ दिन बहुत समय तक आपको गुरु के सामने रहना पड़ता है। गुरु जो काम कर रहे हैं, गुरु जो पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान को धीरे धीरे देख के आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे आपको एक बार वीडियो में दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को अगर समझना है तो अच्छा गुरु कीजिए और गुरु के पास जाइए और गुरु के पास देखिए, देखने से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, ये संपूर्ण वैदिक प्रोसेस है। इसमें तंत्र इस नवान्न मंत्र को लेकर तंत्र पुटी तंत्र का बीच चलता है, लेकिन ये जो मूल प्रोसेस है ये वैदिक प्रोसेस से ही चलता है। तो वैदिक प्रोसेस का कोई भी मंत्र, कोई भी साधन अनुष्ठान, वो बहुत बड़ा होता है। नवान्न मंत्र 900,000 जाप में सिद्धि होता है। कोई आपको बोलेगा 3,00,000, कोई आपको बोलेगा 5,00,000, लेकिन मैं जितना मेरे गुरु परंपरा में जितना विधि है, नियम है, उसमें नवान्न मंत्र 900,000 जाप करने से सिद्ध होता है। सोच सकते हैं 900,000 जाप करना वर्तमान समय में बहुत ज्यादा कठिन है। इंसान तो 1,00,000 जाप करने में पागल हो जाता है। ये मंत्र का अनुष्ठान 900,000 में सिद्धि होता है। इस मंत्र का जो विनियोग बोला गया, विनियोग में आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र में तीनों देवता का एक साथ उल्लेख किया जा रहा है। जैसे विनियोग में आप लोगों के सामने पाठ करके सुनाता हूं, बोल रहा है अश्व श्री नवाक्षर मंत्रस्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषय गायत्री छंदांसी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता नंदजा शाकंभरी भीमा शक्त रक्त दंतिका दुर्गा भामरजी बीजानी रिंग कीलकम अग्नि वायु सूर्य सूर्यास्तानी कार्य निर्देशे जपे विनियोग। समझ सकते हैं इसमें कितना सारा देवता का एक साथ आ गया, अंग देवता प्रत्यंग देवता भी इसमें आ गया। तो कितना जटिल एवं कितना शक्तिशाली ये प्रयोग होगा आप लोग को इसका विनियोग से समझ में आ जाएगा। इस छोटा सा एक वीडियो 10 मिनट 1 घंटा का वीडियो बना के भी मैं आप लोग को संपूर्ण चीज बता नहीं पाऊंगा जब तक आप प्रैक्टिकल इस प्रयोग को ना देखेंगे।
फिर भी मैं आप लोग को बोला जो कुछ ना कुछ आप लोग को जरूर बताऊंगा, तो मैं आगे इसके विषय में आप लोग को बताता हूं। जैसे ये जो नवांड मंत्र है, एक नवांड मंत्र तो सीधा आप लोग को पता है, ये आप लोग के कंठस्थ है ये नवांड मंत्र। ऐसे बहुत सारे वीडियो में मैं देखता हूं नवांड मंत्र ऐसे बोलता है। मैं बार बार आप लोग को बोलो, जो इंसान मंत्र को किताब से जो इंसान को मंत्र मिला है, वो इंसान मंत्र को डिस्ट्रीब्यूट करने में उस इंसान को कोई भी असुविधा नहीं होगा। जिस इंसान मेहनत से मंत्र को जागृत किया है, पुरस्चरण, जो लोग थोड़ा बहुत तंत्र के विषय में जानते हैं तो पुरस्चरण का शब्द का अर्थ है वो लोग समझ सकते हैं। जो इंसान, जो साधक मंत्र को पुरस्चरण किया है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जाप अगर जो इंसान किया है, वो मंत्र को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में वितरण नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। ये निर्देश ही नहीं है। जो इंसान को कभी भी मंत्र किसी भी गुरु से कभी कान में मंत्र नहीं मिला है, वही इंसान किताब से मंत्र लेकर डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा और बोल सकता है। बहुत बार मुझे बोला, गुरु जी आप मंत्र बोल के सुना, मैं मंत्र बोलने का अधिकार मेरा नहीं है, इसलिए मंत्र बोल नहीं सकूंगा मैं। ठीक है, तो इसका एकमात्र कारण मैं सीधा बोल दिया, मंत्र मुझे मिला है और मेरे गुरु ने मुझे कान में मंत्र दिया, मंत्र का दीर्घ दिन तक अनुष्ठान किया हो, अभी भी कर रहा हूं, जितना दिन जीवित रहूंगा तब तक करूंगा मैं अनुष्ठान। इसीलिए जो मेरा मंत्र है, जो मंत्र को मैं इतना दिन अनुष्ठान कर रहा हूं, वो मंत्र को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार मेरा नहीं है। शास्त्रों को उल्लंघन मैं कर नहीं सकता हूं। आप लोग विषय को समझ कर, आप लोग को एक बार मेरे जगह में खुद को रखकर एक बार विषय को समझिए। तो ये जो अनुष्ठान है, मैं आप लोग को बोल रहा हूं, ये जो नवांड मंत्र, नवांड मंत्रों से वशीकरण का प्रयोग भी होता है, लेकिन इसका जाप जो है बहुत ज्यादा जाप है। पुटित सब पुकार, जो अगर इस नवांड मंत्र को तंत्रों में यूज अगर आप लोग करते हैं तो पुटित आएगा। पुटित भी एक अलग सिस्टम है, आज मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, पुटित आएगा। तो वशीकरण के अलग नवांड मंत्र है, अच्छा स्तंभन के अलग नवांड मंत्र है, मोहन के अलग नवांड मंत्र है, विद्यसन के अलग नवांड मंत्र है, मारण के भी अलग नवांड मंत्र है, सभी प्रकार का अलग अलग नवांड मंत्र है। किसी मंत्र का जाप है 10 लाख, किसी मंत्र का जाप है 16 लाख, किसी मंत्र का जाप है 12 लाख, किसी मंत्र का जाप है 20 लाख। समझ सकते हैं जाप का माने कितना बड़ा जाप है। वर्तमान समय में इतना बड़ा बड़ा जाप अनुष्ठान करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप लोग के संभव नहीं, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रयोग के ऊपर मैं चर्चा नहीं करता हूं। एक हाइलाइट्स किया जाता है, नवांड मंत्रों से पाठ करने से इतना सिद्धि मिलेगा, रातों रात मां प्रसन्न हो जाएगा, मां ये करेगा, मां वो करेगा, ऐसे एक हाइलाइट्स किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। लेकिन नवांड मंत्र जो इंसान सिद्ध किया है, जो इंसान नवांड मंत्र को लेकर लगातार अनुष्ठान किया कर रहा है, उस इंसान को जाकर पूछिए नवांड मंत्र कितना लाख जाप में सिद्धि होता है। नवांड मंत्र करने से पहले माता दुर्गा का ध्यान करना जरूरी है, अंगोनस करना जरूरी है, करोननेस अंगोनस करना जरूरी है। इससे आगे भी जो नैस है अगर आप लोग कर सकते हैं तो भी अच्छा है, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन ये संपूर्ण प्रोसेस करने के बाद एक मंत्र का जाप अनुष्ठान करने के लिए बैठते, ये वैदिक अनुष्ठान नहीं है, तांत्रिक अनुष्ठान नहीं है। ध्यान रखते हुए आपको अनुष्ठान करना है। तांत्रिक अनुष्ठान में बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, उसके बाद उसको भी कोई लोग काट के छोटा कर देता है। ये तो वैदिक अनुष्ठान है। दुर्गा पूजा जो है एक वैदिक पूजा है, तांत्रिक पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा जो दुर्गा पूजा करते हैं, जैसे मैं दुर्गा पूजा मैं करता हूं, मैं जानता हूं दुर्गा पूजा कैसा है। तो दुर्गा पूजा जो नहीं करते तो वही इस मंत्र को बोलेगा महाशक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है, महाशक्तिशाली ये नवांड मंत्र है। ये सब महाशक्तिशाली तो है, पृथ्वी में सब कुछ ही शक्तिशाली है, सब कुछ शक्तिशाली है, कोई भी ऐसा नहीं है शक्तिशाली नहीं है, सब कुछ शक्तिशाली, चूहा भी बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो क्या बोलो, अभी ये जो सिस्टम है, सिस्टम को आपको सीखना है, अगर जानना है तो इस सिस्टम के बारे में अच्छे किसी आचार्य से बात कीजिए, अनुष्ठान तब जाकर अनुष्ठान कीजिए। बिना गुरु से मंत्र लिए अगर मंत्र को ये सब मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो आपका बहुत भयंकर दुर्नाम, बहुत भयंकर दुर्दशा आपका आएगा। ये सब मंत्र का परिणाम कैसा होता है मैं अपने जीवन में मैं बहुत बार देख चुका हूँ, अच्छे अच्छे साधकों को मैं देख चुका हूँ, परिणाम बहुत उल्टा हो जाता है। इसीलिए ये सब मंत्र किताब देखकर आपको कोई निर्देश कर देता है, इस मंत्र का अनुष्ठान कभी मत कीजिए। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मैं फिर मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।